नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? फिर से पूछ लेते हैं आपसे, थोड़े से इधर दो तीन दिन वीडियो आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, अभी भी मैं पूरी तरीके से सही नहीं हुआ हूँ। लेकिन जो है वीडियो आप सोच रहे हैं कि ज्यादा डिले ना करें और आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहें, इसलिए हम जो है आज वीडियो बना रहे हैं वापस। तो जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो चिंता मत करें, आपके सारे कोर्स मतलब हर एक चैप्टर के कोर्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मतलब यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। जो नए स्टूडेंट है उनसे हम बता दें कि प्ले लिस्ट में ऑलरेडी जो पिछले 5 चैप्टर मिलेंगे आपको, आप जाकर वहां से पढ़ लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जो है नोट्स है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाइए, या फिर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर सर्च करेंगे मोशन बायोलॉजी, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको पीडीएफ नोट के रूप मतलब पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करें हम आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की क्लास में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे मूल सिद्धांत, जिसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ये हेडिंग एक दो नंबर की आती है लेकिन है तो बड़ी इंपॉर्टेंट, और हम बताएंगे किस प्रकार से। क्या है मूल सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा क्या है? यानी बहुत सारे साइंटिस्ट की जो विचारधाराएं थी वो क्या थी कि मतलब किस प्रकार से डीएनए से किस प्रकार से आरएनए बन जाता है, आरएनए से किस प्रकार से प्रोटीन बनता है, या जो प्रोटीन होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, मतलब हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, हमारी लेंथ ज्यादा है, या फिर हम हमारे चलने का तरीका क्या है। सबके लिए एक जीन होता है और जीन जो है एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, और प्रोटीन वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो सबसे पहले सेंट्रल डोगमा यानी मूल सिद्धांत के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे जो है फ्रांसिस क्रिक। क्रिक नाम के साइंटिस्ट, क्रिक को जानते हैं ना, है ना, पिछली बार जो हमने पढ़ा था डीएनए की डिस्कवरी भी इन्होंने किया, सॉरी डीएनए का जो मॉडल दिया गया था क्रिक उसमें थे। तो फ्रांसिस क्रिक थे, इन्होंने मूल सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इन्होंने जो बहुत सारी विचारधाराएं थी जो उलझी हुई थी, डीएनए से किस प्रकार से आरएनए बनता है, फिर किस प्रकार से प्रोटीन बनता है, उसको इन्होंने सुलझा दिया। तो पहले ये हेडिंग बनाएंगे आप लोग, क्या होगी हेडिंग? मूल सिद्धांत, ठीक है, मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत, ये हमारी हेडिंग है। इसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा, मूल सिद्धांत, अब ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। ये कभी कभी इंग्लिश में यानी सेंट्रल डोगमा को हिंदी में लिखेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों याद रखिएगा आप लोग, दोनों नाम, ठीक है। मूल सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा क्या होता है, इसको किसने प्रस्तुत किया, ठीक है, इसको प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मूल सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा को प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया, क्या बताया, कि जो डीएनए होता है, जैसे कोई डीएनए है, डीएनए, अगर डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृति। प्रतिकृति, बुक आपके पास होगी, आप बुक देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से दिया है और वही हम आपको बता भी रहे हैं। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्रतिकृति, ठीक है बच्चों, प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन। प्रतिकृति मतलब अपना ही फोटो कॉपी, ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा, प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन। अगर बच्चों डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, आरएनए, ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलेंगे, अनुलेखन,
अनुलेखन बुक है आपके पास, हम दोनों लिख दे रहे हैं, तो बुक में इंग्लिश नहीं लिखा है इसलिए इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आरएनए से बनता है क्या? आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रूपांतरण। रूपांतरण, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपके बुक में एक फिगर दिया गया होगा, मतलब इस तरीके से चार्ट दिया गया होगा। मूल सिद्धांत यानी सेंट्रल डॉग्मा को प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने जो है बताया कि डीएनए से किस प्रकार से डीएनए बनता है, डीएनए से किस प्रकार से आरएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, और आरएनए से किस प्रकार से प्रोटीन बनता है उसे क्या कहते हैं। सिंपल वे में बताएं, अगर डीएनए से डीएनए बनेगा यानी फोटो से, मतलब कोई अगर फोटो है उसी का कॉपी बना रहे हैं तो, या कोई भी पेपर उसका कॉपी बना रहे हैं तो उसकी प्रतिकृति हुई है ना, उसकी प्रतिकृति हुई, छाया प्रति हुई। तो इस प्रोसेस को यानी डीएनए से अगर डीएनए बनेगा तो उसी को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति। अगर डीएनए से आरएनए बनेगा बच्चों तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। यानी डीएनए के, डीएनए मान लेते हैं डीएनए है, इस पे जो भी सूचना लिखी है उस सूचना को लेकर आरएनए बाहर जा रहा है, अनुलेख कर रहा है, मतलब उसको अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। अगर बच्चों आरएनए से अगर प्रोटीन बन जाए, अगर आरएनए से प्रोटीन बन जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन यानी रूपांतरण। ये प्रोसेस क्यों होता है? जैसे डीएनए से आरएनए और प्रोटीन क्यों बनता है, वही है। कोई भी जीन हो, सपोज दैट की कोई डीएनए पर कोई जीन है, अब उस जीन को एक्सप्रेस करना है। जैसे किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग है, मान लेते हैं ये डीएनए है, ये सपोज दैट डीएनए है, डीएनए का स्ट्रैंड, आप कहेंगे सर डीएनए तो ऐसे रस्सी की भांति होते हैं, मान लेते हैं इसको सीधा कर दिए, इसको हमने सीधा कर दिया, यहां पर एटीजीसी सब लगा है, एटीजीसी ऐसे इस प्रकार से सब लगा है इसमें, ठीक है, साफ साफ करने, साफ साफ कर देते हैं बच्चों, एकदम साफ साफ क्लियर है आपका। जैसे यहां पर ए के सामने पता है टी लगता है, फिर जी है, यहां सी लगेगा, सी होगा तो जी लगेगा, टी होगा तो ए लगेगा, जी सी ए टी, जी सी ए टी, इस प्रकार से जुड़ता है डीएनए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे इस प्रकार से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो आपको ये पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब सपोज दैट कि डीएनए की ये स्थान, ये वाला स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति में वर्णांध रोगी का जीन है, ये वर्णांध रोगी का क्या है? जीन है, वर्णांध रोग का क्या है यहां पर? जीन है बच्चों, सपोज करना है आपको, ऐसा नहीं कि है ही, ठीक है। वर्णांध रोग का यहां पर डीएनए पर इस स्थान पर जीन है। अब इस जीन को एक्सप्रेस करना हो, मतलब किसी व्यक्ति में वर्णांध रोगी रोग होना हो, जैसे माता पिता से कोई जीन आ गया हो जिसमें वर्णांध रोगी बच्चे के डीएनए पर है, अब उस डीएनए को एक्सप्रेस करना है, मतलब बच्चे में वर्णांध, बच्चे को वर्णांध रोगी बनना है, तो डीएनए को क्या करना पड़ेगा? डीएनए को आरएनए बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता है ना, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, इसलिए डीएनए को क्या बनाना पड़ेगा? आरएनए बनाना पड़ेगा। यानी डीएनए एक राजा है, राजा को मंत्री को आदेश देना पड़ेगा, मतलब कि आरएनए को, आरएनए कौन? यम आरएनए, मैसेंजर आरएनए, यानी सूचना को ले जाएगा। अब इस सूचना को लेकर जाएगा कहां पर? कोशिका द्रव्य में, और वहां पर राइबोसोम आकर जुड़ेगा और प्रोटीन बनाएगा, और जब प्रोटीन बन जाएगा तब वो जो है वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, मतलब किसी व्यक्ति में क्या हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति में वह रोग उत्पन्न हो जाएगा जिसमें वर्णांध जीन था, मतलब उस बच्चे में, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे राजा कभी भी आदेश सिपाहियों को नहीं देता है ना, राजा कभी आदेश सिपाहियों को नहीं देता, आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो वो क्या काम करता है, जैसे हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री जी हैं, वो डायरेक्टली सिपाहियों के पास जाकर नहीं बोलेंगे कि आप जो है गोली बारूद चला दो या फिर आक्रमण कर दो, वो किसको बोलेंगे? रक्षा मंत्री को बोलेंगे, गृह मंत्री को बोलेंगे, है ना। उसके बाद रक्षा मंत्री को बोला जाएगा, रक्षा मंत्री जाएगा तो जनरल, जो सेना के जनरल होते हैं, कर्नल होते हैं, उनको आदेश दिया जाएगा, तब सेना क्या, सेना तब जाकर काम करेगी। जैसे पहले के राजा होते थे, राजा अगर कहीं पर जो है लड़ाई करनी है तो पहले अपना जो आदेश था वो मंत्रियों को देते थे,
मंत्री जाते थे सेनापति को देते थे, सेनापति तब जाके सेना को देता था आदेश और सेना तब जाके लड़ाई करता था। अगर सेनापति नहीं होता था तो सेना काम ही नहीं करती थी। तो बच्चों वही चीज है, जो डीएनए है वो मेन है, वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, उसको क्या करना होगा, आरएनए को सूचना देनी होगी, आरएनए आरएनए पर प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन एक्सप्रेस होगा। ठीक, तो ये चीज, ये पॉइंट जो बताया किसने, फ्रांसिस क्रिक ने बताया। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हो गया हमारा अपने बुक का, अब थोड़ा से बाहर चलते हैं। कभी कभी होता है बच्चों क्या, आरएनए से डीएनए बन जाना, आरएनए से डीएनए बनना। और पहले अगर बताएं को कि इस पृथ्वी पे पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था और आरएनए से ही डीएनए बना है, आरएनए से ही डीएनए बना है, यानी जब सुरक्षा जब इंफॉर्मेशन बढ़ने लगा, सुरक्षा की आवश्यकता पड़ने लगी, तो आरएनए किसमें कन्वर्ट हो गया, डीएनए में, है ना। अब हालांकि अब के सिचुएशन में क्या होता है, अब डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब आज के डेट में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन पहले इस पृथ्वी पर ऐसा हुआ होगा कि आरएनए से डीएनए बना होगा। ठीक है, यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं हुआ, सर्वप्रथम सबसे पहले इस पृथ्वी पर कोई जेनेटिक मटेरियल रहा होगा तो वो आरएनए रहा होगा और अपने प्रोटेक्शन के लिए वो डीएनए में बदल गया, क्योंकि डीएनए स्ट्रांग होता है, मतलब कि ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और जबकि आरएनए जल्दी जल्दी बदल जाता है, जल्दी जल्दी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, चिंता मत करिए। लेकिन बच्चों अभी भी कुछ ऐसे वायरस हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, फिर से सुनिए हमने क्या बोला, अभी भी कुछ ऐसे वायरस हैं जो आरएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनता है और खास करके ये क्रिया होती है रेट्रोवायरस में, रेट्रोवायरस और इनसे मिलती जुलती जो इनकी फैमिली होती है। रेट्रोवायरस एक एचआईवी वायरस भी है, एचआईवी वायरस भी है, और जिसके कारण एड्स बीमारी होती है। इस रेट्रोवायरस में क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और कुछ एंजाइम की सहायता से वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, जिसकी वजह से वो डीएनए का निर्माण कर लेता है। इसलिए बच्चों आज तक एचआईवी एड्स की मेडिसिन नहीं बन पाई, क्योंकि ये अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है, यानी आरएनए से डीएनए बना लेता है, किस प्रोसेस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, यानी उल्टी दिशा में। जबकि होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहां पर आरएनए से डीएनए बन रहा है। ऐसा किसमें, केवल और केवल वायरसेस में होता है और किसी भी जीव में नहीं होता, सारे जीवों में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसकी खोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे। पहले साइंटिस्ट का नाम हम यहां पर लिखे तो पहले साइंटिस्ट का नाम है क्या, डेविड बाल्टीमोर, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है बच्चों यहां पर क्या है, हावर्ड टेमिंग। ठीक है, डेविड बाल्टीमोर एंड हावर्ड टेमिंग, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया, इसकी खोज किया आरएनए से डीएनए बनने का। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इरेज करते हैं, हम अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए हमारी अगली हेडिंग होगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी है उसमें, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको समझा देंगे बहुत ही आसानी तरीके से, आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग आप एनसीईआरटी देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग होगा डीएनए कुंडली, जिसको कुंडली को इंग्लिश में पैकेजिंग भी कहते हैं, पैकेजिंग। तो डीएनए कुंडली या पैकेजिंग, दोनों नाम सेम है बच्चों। ठीक है, दोनों नाम क्या है, सेम। ठीक, अब इसमें क्या समझना है आप लोगों को कि डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होता है, यानी कि डीएनए, अभी हमने आपको बता था एक दिन, डीएनए हमारे सेल के अंदर बहुत बड़ा होता है, लगभग 2 मीटर लंबा होता है। तो डीएनए किस प्रकार से जो होता है, मतलब कि वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि आपको इतना पता है ना कि एक क्षार और दूसरे क्षार, मतलब एक डंडे और दूसरे डंडे के बीच की दूरी कितनी है, बताए हैं हम आप लोगों को,
3.4 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो कितना नैनोमीटर होता है, 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.34 गुणे 10^-9 ये होता है नैनोमीटर का, है ना। यानी जो हमारा डीएनए होता है बच्चों, डीएनए में एक छा, जैसे डीएनए है सपोज है, यहां पर एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा हमारा डीएनए, एक छार यहां एक छार यहां, इस तरह से छार लगे होते हैं पता है ना, एटीजीसी एटीजीसी। इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है आपको पता है, ये हमने बताया था 3.4 क्या है माइक्रोमीटर होता है, और इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर को इस तरह से लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब यानी एक छार और दूसरे छार के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 10^-9 ठीक। अब एक मनुष्य के कोशिका के अंदर अगर द्विगुणित कोशिका है तो उस द्विगुणित कोशिका के अंदर जो छार की संख्या होती है, बताएं हैं हम आपको छार की संख्या कितनी होती है, 6.6 × 10^9 ठीक है। इतने छार होते हैं, मतलब बिलियंस में छार होते हैं ठीक है, बिलियंस में छार होते हैं, यानी इसका गुणा इतने से करिए, जितना नंबर आता है उतने छार होते हैं, यानी ए टी छार युग्म, मतलब ए टी जी सी का बेस पेयर जो होता है कितना होता है, 6.6 × 10^9। और एक छार और दूसरे छार के बीच की दूरी कितनी है, 0.34 है, तो डीएनए की लंबाई ज्ञात करने का यही तरीका है, इसका इसका गुणा कर दीजिए, और इसका गुणा करेंगे बच्चों तो आया कितना है, 2.2 ठीक है, 2.2 मीटर आएगा ठीक है, 2.2 मीटर आएगा बच्चों। अब ध्यान से देखिए हमने क्या ये पॉइंट बताया है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीएनए की कुंडली या पैकेजिंग। हमने आपको क्या समझाया कि डीएनए हमारा, हमारी कोशिका या किसी भी कोशिका में बहुत लंबा होता है, अब उस कोशिका के अंदर पूरे सेल में फैला नहीं होता बल्कि एक स्थान पर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में कहां पर स्थित होता है बताइए, यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर स्थित होता है। अब उस छोटे से केंद्रक के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस प्रकार से प्रस्तुत होता है, मतलब किस तरीके से अंदर उसमें होता है, उसको हम डीएनए कुंडली पैकेजिंग में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। अभी तो हम ये समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि डीएनए में कितने छार होते हैं। तो मनुष्य के एक द्विगुणित कोशिका की बात करें तो उसके अंदर के डीएनए को निकाला जाए तो उसमें छार युग्म जो होंगे वो कितने होंगे, 6.6 × 10^9 होंगे, मतलब इतने छार युग्म होंगे। अब इतने जब छार युग्म है तो एक छार और दूसरे छार के बीच की दूरी, एक छार और दूसरे छार के बीच की दूरी कितनी होगी, 0.34 × 10^-9 तो हम ये कैलकुलेट करेंगे डीएनए की पूरी लंबाई कितनी हो सकती है, जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको कितना, 2.2 मीटर। यानी एक मनुष्य की सेल के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर जो है 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, सोचिए अपने आप में अमेजिंग है बच्चों, अमेजिंग है ना, ये कैसे पॉसिबल हम आगे बताएंगे आप लोगों को। और इस चलिया कोलाई की बात करें, ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई एक जीवाणु है, इसके अंदर जो डीएनए की मतलब पूरी लंबाई आपके बुक में दिया भी है कितनी है, 1.36 मिलीमीटर इतनी लंबाई है, ये लंबाई याद रखना है आप लोगों को, कैलकुलेशन करने के लिए आएगा नहीं, बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को कितनी दूरी होती है। माइक्रोमीटर में पूछ लिया तो 3.4, नैनोमीटर में पूछ लिया तो 0.34, और नैनोमीटर को हम 10^-9 लिखते हैं ठीक है, 10^-9 को नैनोमीटर ही कहा जाता है। तो बच्चों इतना तो पता चल गया कि हमारे अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए मतलब हमारे सेल के अंदर, एक सेल के अंदर होता है ना अमेजिंग, कैसे पैकेजिंग हुआ है हम उसी में इसी में समझेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडलन ठीक है, हेडिंग बना लेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडलन, इतना समझ में आया। चलिए तो हम इतना देखेंगे डीएनए कुंडली में पैकेजिंग में पहली हेडिंग बनाएंगे क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडलन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडलन किस प्रकार से होता है, चलिए देखते हैं, हेडिंग बना लेते हैं प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक, इसको असीम केंद्रकी भी कहते हैं, असीम केंद्रकी हिंदी में इसको असीम, ये इंग्लिश वर्ड है, असीम केंद्रकी भी कहा जाता है हिंदी में इसको, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडल किस प्रकार से होता है, इस हेडिंग के थ्रू हम यही समझेंगे। सपोज दैट बच्चों एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक होती है, यह एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, थोड़ा से बड़ा बनाते हैं इसको, लो ये बैक्टीरिया है। अब इतना पता है कि बैक्टीरिया के पास केंद्रक नहीं होता, इसी आधार पर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक लिखते हैं, बैक्टीरिया के पास केंद्रक नहीं होता, लेकिन फिर भी सुनिए ध्यान से, जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं, इसके पास केंद्रक नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पूरी कोशिका में फैला नहीं होता, बल्कि कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता लेकिन पूरी कोशिका में फैला नहीं होता, मतलब कुछ इसी स्थान पर कहीं पर होगा, है ना, यही इस तरीके से किसी एक स्थान पर होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता, उसके अंदर डीएनए भरा पड़ा होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, लेकिन उसका डीएनए ऐसा नहीं कि केंद्रक नहीं तो पूरे के पूरे कोशिका द्रव्य में फैलेगा, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है उसमें कोशिका द्रव्य उसको कहते हैं, तो उसके अंदर नहीं, कहीं एक स्थान पर होता है, ऐसा क्यों होता है, जो डीएनए होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋणात्मक चार्ज होता है, और कुछ धनात्मक प्रोटीन पाए जाते हैं, धनात्मक प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए पर होता है कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और कुछ प्रोटीन होते हैं जिस पर कौन सा चार्ज होता है, जिन पर क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, यानी जो प्रोटीन है उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस से प्लस के पास जाता है और डीएनए जो होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, प्रोकैरियोटिक केस में ऐसा होता है, ठीक है, और हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसी के बारे में बात करेंगे, तो डीएनए जो होता है उस पर होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटीन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ मिलता है और मिलने के बाद एक जगह पर स्थित हो जाता है, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ मतलब डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ जाता है जिससे एक जगह पर स्थित हो जाता है और इसलिए केंद्रक नहीं है लेकिन डीएनए किसी एक स्थान पर स्थित है, केंद्रक में स्थित है, इसलिए इसको बच्चों न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक के डीएनए जिस स्थान पर होता है उसे न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है और इसको हिंदी में केंद्रकाभ कहते हैं, केंद्रकाभ, ठीक है, केंद्रकाभ कहते हैं, या कहीं कहीं पर इसको जीनोफोर भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं, जेड होगा यहां पर जे होगा, ठीक है, जीनोफोर भी कहा जाता है। बच्चों बड़े ध्यान से सुन लीजिए, क्या हमने बोला कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडलन किस प्रकार से होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता तो उसका डीएनए कोशिका द्रव्य में ही होता है, तो कोशिका द्रव्य में इसका यह मतलब नहीं कि पूरे सेल में फैला होगा, पूरे सेल में नहीं फैलता, उसका कारण क्या है, डीएनए में होता है निगेटिव चार्ज और कुछ प्रोटीन होते हैं कोशिका द्रव्य में जिसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, वो निगेटिव चार्ज वाला डीएनए पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, जुड़ने के साथ ही वो कंडेंस हो जाता है और बड़े बड़े लूप बनाता है, यानी कि इसके अंदर बड़े बड़े लूप बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी इस तरीके से लूप बने होते हैं, लूप मतलब गोला टाइप बन जाता है, ठीक है, तो लूप बने होते हैं और वो किसी एक स्थान पर स्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और जिस स्थान पर प्रोकैरियोटिक का डीएनए स्थित होता है उस स्थान को न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, जिसको हिंदी में केंद्रकाभ कहते हैं और इसको हम जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं और करके जानेंगे इसको जीनोफोर, ठीक है, याद रखिएगा ये मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है बच्चों, ठीक। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडलन, ठीक है,
अगली हेडिंग आप लोग क्या लिख लेंगे यहां पर, यूकैरियोटिक लिख लेंगे, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक, जिसको इंग्लिश में यूकैरियोटिक की कहते हैं, हिंदी में समीम केंद्र की कहा जाता है, और प्रोकैरियोटिक की हिंदी में असीम केंद्र की कहा जाता है, तो या फिर यूकैरियोटिक को सुकेंद्र की भी कहा जाता है। तो इतना रहा, इंग्लिश ही याद रखिए बस, और इसको पता चल गया न्यूक्लियॉइड या जीनोफोर, इसकी हिंदी क्या है, केंद्र का क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए निगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ मिलता है, तो बड़े बड़े लूप बनाकर एक स्थान पर स्थित होता है, इसलिए न्यूक्लियॉइड कहा जाता है उसको, यानी डीएनए के मतलब की प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियॉइड या जीनोफोर भी कहा जाता है, ठीक, इस बात को याद रख लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे, बिकॉज टाइम ज्यादा हो जाएगा, और आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी थी, कॉन्सेप्ट था, अगर एनसीईआरटी अब इसके बाद पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए आराम से, एकदम एक एक लाइन धीरे धीरे करके पढ़िए, 101% आपको लिखा हुआ है एक एक वर्ड समझ में आएगा बच्चों। अब उसके बाद जब हम यूकैरियोटिक में, मतलब यूकैरियोटिक में किस प्रकार से डीएनए का कुंडलन होता है, थोड़ा जटिल है लेकिन समझाएंगे, चिंता मत करिए आप लोगों को, इजी वे में, तो बने रहिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आलाफी बच्चों, और हाँ वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और क्या करना है आपको पता ही है, क्योंकि अभी एक्सप्लोर चलेगा, क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, थैंक्स।